तो हम कैपेसिटर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था जब बैटरी कनेक्टेड था। आज बेटा हम प्लेट्स के बीच का सेपरेशन चेंज करेंगे और उसके दोनों केस को स्टडी करेंगे। कौन कौन सा बेटा? कांस्टेंट चार्ज का और कांस्टेंट वोल्टेज का। तो हेडिंग लिखो बेटा, चेंजिंग सेपरेशन एट कांस्टेंट चार्ज। देखो बेटा, एक कैपेसिटर था बेटा, मान लेते इसके बीच का इनिशियल सेपरेशन था डी नॉट। तो इसकी जो सी की वैल्यू आएगी, ये आएगी एप्साइलन नॉट ए बाई डी नॉट। फिर बेटा इसको मैंने चेंज कर दिया डी टाइप, तो इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी बेटा, इसको सी नॉट बोल रहे थे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर बेटा? अब मैंने क्या किया बेटा, डी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और डी नॉट से डिवाइड कर दिया। तो क्या इसको बेटा मैं लिख सकता हूं डी नॉट बाई डी सी नॉट इज इक्वल टू सी। क्लियर है बेटा? अब देखो सबसे पहली बार बेटा इसमें क्यू नॉट इजिकल टू कितना होगा बेटा? क्यों? क्योंकि यही कांस्टेंट है, हमारा केस ही बेटा यही है। अब कैपेसिटेंस बेटा हमारे पास दोनों है। अच्छा देखो बेटा, अब डिपेंड करता है ना डी की वैल्यू डी नॉट के कंपेरेटिवली है क्या चीज। जैसे आपने घटा दिया होगा बेटा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया होगा, आपने डी की वैल्यू डी नॉट से ज्यादा लिया होगा बेटा तो कैपेसिटेंस घट गया होगा। वो डिपेंड करता है डी और डी नॉट में क्या रिलेशन आता है। बात समझ में आ गई? इधर देखो बेटा, अब मैं फार्मूला लगाऊं बेटा, क्यू इजिकल टू सी नॉट वी नॉट। क्लियर बेटा? और यहां क्यू इजिकल टू कितना बेटा? सी वी। आगे बात बेटा, तो यहां से वी नॉट की वैल्यू कितना बेटा? क्या ये आएगा क्यू बाई सी नॉट, और यहां से बेटा वी की वैल्यू कितना? क्यू बाई सी। और सी की बेटा वैल्यू मैं लिखता हूं सी नॉट के टर्म में, तो ये आ जाएगा बेटा ऊपर की साइड डी बाई डी नॉट। क्लियर? और यहां कितना बेटा? क्यू बाई सी नॉट। बेटा क्या यही वी नॉट है कि नहीं है? आगे बात बेटा बोलो। इधर देखो, तो यहां से बेटा हम बोल सकते हैं इफ सेपरेशन इंक्रीजेज का मतलब बेटा डी की वैल्यू क्या है डी नॉट से ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो लिख लो इफ सेपरेशन इंक्रीजेज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, सेपरेशन डिक्रीजेज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज। यहां से बात समझ में आई बेटा? इसका एक तरीका और, इधर देखो बेटा दूसरा तरीका समझते हैं। जो सेपरेशन चेंज करने के बाद बेटा क्यू तो कांस्टेंट है, प्लस सिग्मा इस पे माइनस सिग्मा बेटा, तो बीच में जो ई की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी सिग्मा बाई सिग्मा नॉट, मान लो सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा आपने सेपरेशन चेंज कर दिया तो भी कितनी आएगी बेटा? सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अच्छा देखो बेटा इस बात को समझा रहा हूं, डेल्टा वी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोजीशन कितना बेटा चेंज हुआ है लेंथ। क्लियर बेटा? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में सेम है बेटा, एक बार सेपरेशन कम तो ई डॉट। क्लियर बेटा? कितना मैं बोलू अगर डेल्टा वी नॉट या वी नॉट बोलू बेटा तो ये कितना आएगा? क्या ये आएगा ई डी नॉट, और वी कितना आएगा बेटा? E, D, क्योंकि E दोनों केस में क्या बेटा सेम है। तो यहां से आप बोल सकते हो ना बेटा कि जिसमें D की वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो D नॉट ज्यादा है तो V नॉट ज्यादा हो जाएगा, D ज्यादा है तो आपका बेटा V ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो बेटा। क्लियर है? लिखा बेटा इधर देखो, एनर्जी की बात करते हैं बेटा, U इज इक्वल टू हाफ Q
कॉन्स्टेंट बेटा उसके टर्म लिखते हैं क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट यू नॉट को लिखा बेटा, और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा हाफ यू की वैल्यू हाफ क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई सी। अब बेटा सी की वैल्यू अगर मैं सी नॉट के टर्म में रखूं तो यहां आ जाएगा डी नॉट, तो बेटा क्या ये आ जाएगा डी वाई डी नॉट इंटू यू नॉट। अब फिर से बेटा वही कहानी कि अगर सेपरेशन बढ़ाया होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, सेपरेशन घटाया होगा तो बेटा एनर्जी घट जाएगा। बात समझ में आई? इधर देखो, इसको भी दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो। कैसे बेटा? इधर देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, सारा कुछ छाप लो। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, कैसे सोच सकते हैं आप बेटा। अब आपको अगर एक टर्म याद हो बेटा एनर्जी डेंसिटी, तो ये होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी कर दिया जाए बेटा, तो क्या ये यू की वैल्यू आ जाएगी? क्यों नहीं आ जाएगी, ये वी वैल्यू बेटा। आई बात? तो यहां देखो बेटा, ये U फाइनल बेटा अगर लिखू तो लिखूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वी फाइनल बेटा, इसको लिख देते हैं हम V इनिशियल। आगे बात बेटा, तो U नॉट बाई U निकालो बेटा। देखो एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में बेटा सेम है, तो ये कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा V इनिशियल या V नॉट बाई V वैल्यू वाला। तो ये कितना जाए बेटा, मान लीजिए ये दूरी डी नॉट था, बेटा आएगा ए इंटू डी नॉट डिवाइडेड बाई कितना बेटा ए इंटू डी, ए से ए मर जाएगा बेटा, यू इक्वल टू कितना आ गया देखो डी बाई डी नॉट इंटू यू नॉट। इस दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आगे बात बेटा लिख लिया, इधर देखो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ये निकालते हैं बेटा। देखो फोर्स इक्वल टू होता बेटा एफ इक्वल टू क्यू ई, और ई कौन सा बेटा, इस क्यू की फील्ड को छोड़ के बाकी सबका फोर्स बेटा। तो मान लिया इस प्लेट पर हम निकालना चाहते हैं बेटा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इसकी फील्ड लिखेंगे कितना बेटा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू कितना बेटा सिग्मा इंटू ए, तो कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको आप और भी तरीके से अरेंज कर सकते हो फार्मूला वगैरह का यूज करके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आप इसको कैपेसिटेंस के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे बेटा देखो, सी इक्वल टू कितना होता बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो बेटा ए दिख रहा है एप्सिलॉन दिख रहा है, सारा मल्टीप्लाई करके आप इस चीज को रीअरेंज कर सकते हैं। आगे बात, अच्छा ये देखो बेटा ये फोर्स कैसा, कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट बेटा, जाहिर नहीं कर रहा सिग्मा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है बेटा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट फोर्स लगाता है बेटा इसमें, क्लियर? अच्छा इसका मतलब अगर बेटा ऐसे सवाल आ जाए कि ये x इनिशियल से ये प्लेट फिक्स कर देते इसको, इसको x फाइनल तक मूव करा दिया गया एक फोर्स F लगा के, तो वर्क डन बाय का फोर्स कितना होगा बेटा, बहुत स्लोली मूव कराया है बेटा, तो कांस्टेंट फोर्स है, तो W F इक्वल टू होगा बेटा, यही फोर्स होगा सिग्मा स्क्वायर A डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बेटा x फाइनल माइनस x इनिशियल, लिख सकते हो ना बेटा? अगर ये फोर्स कांस्टेंट ना होता तो नहीं लिख पाते बेटा इस तरीके से, तो ये भी हो गया बेटा। कितना फोर्स लगा बेटा, कितना वर्क डन लगा, ये कौन सा बेटा, ये F एक्सटर्नल वाला है, कैपेसिटर का करोगे बेटा तो कैपेसिटर का फोर्स इधर लगेगा, फोर्स उधर लग रहा बेटा, उस तरीके से चीजें चेंज हो जाएंगी साइन वगैरह, छाप लो उधर लिखा बेटा। तो ये था बेटा चेंजिंग सेपरेशन एट कांस्टेंट चार्ज, क्लियर हुआ?
तो बेटा अब हम आगे पढ़ेंगे चेंजिंग सेपरेशन एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। तो हेडिंग लिख लो, चेंजिंग सेपरेशन एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। देखो बेटा फिर से वही बेसिक बातें, इनिशियली टी नॉट तो सी नॉट की वैल्यू कितना बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नॉट। बेटा हमने सेपरेशन चेंज करके इसके बीच की दूरी डी कर दी, बेटा सी की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फिर मैं डी नॉट और डी नॉट से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो बेटा ये आ जाएगा डी नॉट बाई डी इंटू सी नॉट। फिर से वही कहानी, डी नॉट और डी के वैल्यू पर फर्क क्या है बेटा, क्या रिलेशन है, सी ज्यादा हुआ या कम हुआ, वो सारी बातें आप सोच लेना ठीक है। इधर देखो बेटा अब इसमें वी इक्वल टू कितना होगा बेटा, वी नॉट क्योंकि इसी पर पूरी कहानी है, यही कॉन्स्टेंट है बेटा। आगे बात इधर देखो आगे, अब बेटा अगर हम बात करें क्यू इक्वल टू सी वी तो बेटा क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, सी नॉट वी, और Q की वैल्यू कितना बेटा CV, अरे V दोनों केस में सेम है बेटा, तो इसकी जगह पर बेटा मैं लिख सकता हूं D नॉट बाय D C नॉट V, और इसकी जगह पर बेटा कितना Q नॉट, तो कितना आ गया, क्या ये आ गया D नॉट बाय D इंटू Q नॉट। आगे बात क्यों नहीं आई, देखो बेटा फिर से वही कहानी है, देखो अगर सेपरेशन बढ़ा है, सेपरेशन बढ़ा है बेटा तो डी की वैल्यू डी नॉट से ज्यादा हो जाएगी बेटा, चार्ज घट जाएगा। अगर सेपरेशन घटा है बेटा, क्लियर है कि नहीं है, आगे बात एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है क्लियर बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, छाप लो सारी बात। इधर देखो बेटा आगे, अगर इसमें हम आगे बात करें तो बेटा दूसरा काम आता है आपका एनर्जी का, U नॉट की वैल्यू होगी बेटा हाफ C नॉट V स्क्वायर होगा, और बेटा U की वैल्यू कितनी होगी हाफ C V स्क्वायर। तो बेटा V तो कांस्टेंट है, तो अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आएगा बेटा U नॉट बाई U इज इक्वल टू C नॉट बाई C। देखो बेटा यहां से अगर मैं निकालूं C नॉट बाई C की वैल्यू तो बेटा ये आता है D बाई डी नॉट, क्लियर है बेटा कि नहीं है। आगे बात इसका मतलब यहां से लिखना चाहे बेटा, अरे देखो यहां से बात समझ आई, सी बाई सी नॉट, सी नॉट बाई सी कितना है बेटा, क्या ये डी बाई डी नॉट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां देखो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं यू नॉट डी नॉट इज इक्वल टू कितना बेटा यू इंटू डी, क्या होता है हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब उसकी एनर्जी इनटू डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा सेपरेशन चेंज करने पर, कांस्टेंट रहेगा किसी भी पोजीशन पर। तो इस पे भी सवाल आ जाता है डायरेक्टली, क्लियर बेटा, ये हो गई एनर्जी की कहानी, पक्की बात। अब क्यू क्या बेटा इसमें, ये देखो क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू होगा बेटा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू कितना होगा बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के अगर बेटा आप Q से रिलेट कर सकते हो, देखो इसकी जगह आप लिखोगे बेटा Q नॉट बाई A, और इसकी जगह क्या लिखोगे बेटा Q बाई A। अब Q और Q नॉट का रिलेशन बेटा ये रहा, क्लियर हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो Q नॉट बाय A एप्सिलॉन नॉट D नॉट बाय D, ये क्या हो गया बेटा E नॉट हो गया, तो दैट इज इक्वल टू E नॉट D नॉट बाय D बोल सकते हो बेटा, लिख लो इतना लिखने के बाद सारा कुछ लिखो, इसके बाद क्या लिखोगे बेटा इफ सेपरेशन इंक्रीजेज चार्ज एट द प्लेट डिक्रीजेज, चार्ज एट द प्लेट डिक्रीजेज, लिखा बेटा यहां लिखो। देखो अगर सेपरेशन बढ़ाया बेटा तो एनर्जी भी घट रहा है, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा पिछले वाले केस से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर एनर्जी डेंसिटी से कर लेंगे बेटा, उससे भी कर सकते हो आप एनर्जी डेंसिटी से, लेकिन एक चीज ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है
नहीं रहेगा दोनों केस में, तो बेटा एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में अलग अलग आएगा, उससे सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। आगे बात बेटा, यहां पर आ जाओ, देखो अगर डी बढ़ेगा बेटा तो यू घटेगा। देखो इफ सेपरेशन इंक्रीज एच एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज एच, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज एच। अगला देखो बेटा, अगला देखो इफ, यहां आ जाओ बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म पे देखो बेटा, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो फिर से वही कुछ ऐसा ही कहानी बनेगा बेटा, यही बनेगा। आगे बात तो यहां से लिखो बेटा, फिर से इफ सेपरेशन इंक्रीजेस चार्ज डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इफ सेपरेशन इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। बेटा ये किसकी बात चल रही है, जब बैटरी कनेक्टेड है। आगे बात अब देखो बेटा, लिखो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, किसी भी मोमेंट में बेटा अगर सिग्मा प्लस ना हो या माइनस सिग्मा है तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, क्या ये आएगा बेटा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू ए, कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा ये आपका फोर्स आ गया, इसमें सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो बेटा हम इसको एक कांस्टेंट के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। मान लेते बेटा किसी भी मोमेंट पर यह दूरी था आपका एक्स, ठीक है। आगे का बेटा इधर देखो, तो इस टाइम बेटा कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, होगा कि नहीं होगा, क्लियर बेटा। अब इसको मैं कैपेसिटेंस के टर्म में लिखता हूं या कुछ और चेंजेस करते हैं बेटा, आगे बात मुझे सिग्मा हटाना है, सिग्मा बेसिकली। अब कैसे हटाया जाए बेटा, देखो इधर Q इक्वल टू होता बेटा आपका सी वी होता है, और डिवाइड कर दो बेटा दोनों साइड ए से, तो क्या ये सिग्मा इक्वल टू आ गया सी वी बाई ए, लिख दो कितना आ गया बेटा, इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ए से मर गया कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू सी स्क्वायर, क्लियर बेटा। अब यहां से देखो, अब यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूं तो यह आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए, आएगा टू एप्सिलॉन नॉट ए, और सी की जगह पर आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए से बेटा मर जाएगा ये, यहां आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो बेटा एक्स को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है बेटा कि नहीं है, तो फोर्स यहां पर कांस्टेंट ना होकर बेटा वेरिएबल आएगा एक्स के टर्म में, तो ये आ गया बेटा फोर्स। तो ये फार्मूला भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है ये फार्मूला भी बेटा याद रखना, क्लियर बेटा। देखो ये तो किसी भी मोमेंट में बता बेटा सकता है, सिग्मा में गिवन है, सिग्मा के टर्म में ये, पोटेंशियल के टर्म में ये बेटा, इस तरीके से याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्लियर छाप लो, क्लियर। अब देखो बेटा इसमें अगली कहानी जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेटा वर्क डन की, अब उस पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इधर देखो बेटा फोर्स किसका फंक्शन है, पोजिशन का है बेटा कि नहीं है, तो क्या मैं W इक्वल टू लिख सकता हूं बेटा F डॉट dx, x इनिशियल से x फाइनल कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, क्या यह आ जाएगा v स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a dx, x इनिशियल टू x फाइनल कर लोगे सॉल्व बेटा, अब इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, देखो इसमें से बेटा v कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, a कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, वन अपॉन x स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेशन है, करके सॉल्व कर लेना जरूरत पड़ी तो, क्लियर है। ये हो गया बेटा फोर्स प्लेट्स के बीच में कैसे लगा, उसने कितना वर्क डन किया।
आगे बात बेटा। अच्छा फिर से इसमें बेटा वही कहानी है, सुन लो ध्यान से। हो सकता प्लेट को बहुत स्लोली खींचा गया हो, आई बात बेटा, तो इसमें भी बेटा हीट डिसिपेशन जीरो कंसीडर हो जाता है अगर बहुत स्लोली खींचा गया है। क्यों बेटा? क्योंकि वही काम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत स्लो होगा तो करंट ऑलमोस्ट कितना होगा बेटा? जीरो होगा। आगे बात छाप दो बेटा।